जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टूर ऑफ ड्यूटी और रैली भर्तियों से संबंधित। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर, तो उसमें काफी बंदों के कंफ्यूजिंग है, तो उस वो कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए मैं पार्ट टू लेके आया हूँ टूर ऑफ ड्यूटी और रैली भर्तियों से संबंधित। इस वीडियो में आपको तीन पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा है टूर ऑफ ड्यूटी कितने परसेंट लागू होगी। नंबर टू पॉइंट है कि टूर ऑफ ड्यूटी के फायदे क्या रहेंगे और नुकसान क्या होने वाले हैं। नंबर थ्री मैं पॉइंट कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या अब रैली भर्तियां नहीं होगी। ये तीन टॉपिक आज इस वीडियो में रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर और फिजिकल इंस्ट्रक्टर। अभी जो नेक्स्ट आने वाला टाइम है उसमें अभी टूर ऑफ ड्यूटी में कितने परसेंट लागू होगी। इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ बातें बोली थी लेकिन कई भाइयों को वो बातें समझ में नहीं आ गई है। मेरे पास काफी कमेंट्स भी आए हैं और काफी फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे भाई 30 से 50% के ऊपर, मतलब जैसे अभी 100% यानी 100 बच्चे लिए जाते थे कोई रैली भर्ती में, तो उसमें 30% 40% या 50% 30 से 50 के बीच में ये फाइनली बता सकते हैं कि 50% टूर ऑफ ड्यूटी होगी और 50% रैली भर्तियां होगी। लेकिन अभी 30, 40, 50 कितने परसेंट लागू करते वो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि 30 से 50% के बीच में टूर ऑफ ड्यूटी होगी, बाकी जो होगी वो रैली भर्तियां में शामिल किया जाएगा। नंबर ये पॉइंट, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अब रैली भर्तियां नहीं होगी, वो मैं लास्ट में कवर करूंगा कि रैली भर्तियों से संबंधित भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो ये हो गया, तो 30 से 50% ही टूर ऑफ ड्यूटी रहेगी, बाकी रैली भर्तियों के लिए रिजर्वेशन रहेगा। ओके, नंबर टू है कि टूर ऑफ ड्यूटी से हमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदे। तो मैं नुकसान की बात करना चाहूंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी में आपको जैसे आपकी पूरी जो 9 महीने 10 महीने की जो वीक वाइज ट्रेनिंग होती है आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में इसमें आपको अलग अलग पोस्टिंग दे दी जाएगी। जो फैसिलिटी इंडियन आर्मी, जो रेगुलर आर्मी को, वही फैसिलिटी आप जो टूर ऑफ ड्यूटी वालों को भी देंगे, सेम आपकी तनख्वाह वगैरह होगी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 साल 3 साल या 4 साल, मेरे पास काफी कॉल आते हैं सर 3-4 साल 5 साल हमें नौकरी करनी है, उसके बाद हमें सिविल की लाइफ, मतलब एक देशभक्ति का जज्बा रहता है कई बंदों को, चलो हमें हथियार वगैरह चलाना भी सीख ले हम और हम देशभक्ति देश की सेवा भी कर सके, ये काफी बंदों के अंदर जज्बा भी रहता है। तो ये 3 से 5 साल के बीच में रखा है कि 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी होगी, उसके बाद आने के बाद आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस या मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं, मैं अपना एक नॉलेज, मेरे जो दोस्त वगैरह आर्मी से रिटायर्ड है, काफी दोस्त हैं जो आर्मी से रिटायर होने के बाद में, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो लिमिटेड होती है, फर्स्ट प्रोटी आर्मी वालों को ही देती है जो आर्मी से रिटायर होने के बाद होता है। जैसे इससे पहले घोषणा की थी महिंद्रा कंपनी ने कि आर्मी से जो भी रिटायर आएगा टूर ऑफ ड्यूटी के बाद फर्स्ट प्रोटी हम लेंगे, उसको अच्छी सैलरी देंगे उस बंदे को। रिलायंस की कुछ है कंपनी है जो ओनली आर्मी एक्स सर्विस मैन को ही लेती है, सिविलियंस को नहीं लेती है। इसके अलावा भी उदयपुर में है, जयपुर में है, ऑल इंडिया ऐसी कई कंपनियां हैं जो बंदे को सिक्योरिटी गार्ड या बंदे की काबिलियत के हिसाब से ऑपरेटर वगैरह, फोन ऑपरेटर वगैरह एक्सचेंज वगैरह में भी रहते हैं, तो बंदे की काबिलियत के हिसाब से वहां भी आपको बहुत इजी आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपकी डिस्चार्ज बुक बनाई जाती है, आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है, ये चीजें आपको रिटायर होने के बाद दी जाती है। वो भी आपको जो 3 साल कर गएगा उनको भी ये चीजें लागू होगी, लेकिन इतना ही है कि इसमें पेंशन आपकी लागू नहीं होगी। आपका 3 साल का जो भी आपका एरियर है या एपी फंड आपने इकट्ठा किया सब पैसा आपको पेंशन आते समय 3 साल के बाद में आपको दिया जाएगा इसके अंदर, और आपकी सैलरी तो रहेगी। और रिटायर होने के बाद में यदि आप करना चाहोगे मेरे को कहीं अलग से कोई जॉब करनी है, तो आपको बहुत ईजी जॉब मिल जाएगी। रिजर्वेशन होता है इस चीज में हमारा, जैसे हम आर्मी रिटायर होने के बाद पुलिस में है, SI के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, SBI में है, जहां सरकारी में हमारा 12% कोटा होता है जो रिटायर होने के बाद में, और आपको इसमें वो कोटा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन सिविल में जो लिमिटेड कंपनी है उसमें आपको काफी ज्यादा मतलब प्रोटी दी जाएगी, जो 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी करके आएगा उनको फर्स्ट प्रोटी दी जाएगी। ये नफा नुकसान में फायदे नुकसान इसका बता दिया। अब नंबर 3 पॉइंट पर चलते हैं कि क्या अब रैली भर्तियां नहीं होगी। तो ये आपकी गलत मानसिकता है कि फौज जो केंद्र सरकार है या इंडियन आर्मी के जो अधिकारी हैं जो मतलब रैली भर्तियां नहीं कराएंगे। नहीं मेरे भाई, रैली भर्तियां होती रहेगी, ये आप दिमाग से निकाल देना कि रैली भर्तियां नहीं होगी, रैली भर्तियां होती रहेगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
हाँ कुछ परसेंटेज कम कर दिया इन्होंने कि कुछ परसेंट ट्यूर ऑफ ड्यूटी के लिए लागू कर दिया गया है और बाकी रेगुलर आर्मी जो हम जैसे हमें रिटायर होके हो या और भी मेरे कई भाई हैं जो ऑन ड्यूटी कर रहे हैं और रिटायर होने के बाद उनको पेंशन वगैरह होती है, मिनिमम 15 साल नौकरी करने के बाद में पेंशन आपकी लागू हो जाती है, तो वो भर्तियां होगी। इसमें आपको घबराने की या निराश होने की जरूरत नहीं कि सरकार ने रेली भर्तियां बंद कर दी। ट्यूर ऑफ ड्यूटी मैंने बताया कि कुछ परसेंट रखा जाएगा, बाकी रेगुलर आर्मी यानी रेली भर्तियां होती रहेगी। ये अपने दिमाग से जो आपकी गलत फहमी है वो निकाल देना आप लोग, जो भी मेरे भाई हैं बहने, कई ऐसे कुछ वीडियो आपने देख लिए होंगे कि अभी ट्यूर ऑफ ड्यूटी लागू होगी रेली भर्तियां नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपकी गलत मानसिकता या किसी बंदे ने ऐसा वीडियो बनाया तो वो गलत चीज है। मैं बता रहा हूं, मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं करेगी। और अभी एक पॉइंट और मेरे जहन मारा काफी कॉल भी आए कि जो बंदे अभी जो जिनका एग्जाम बाकी है क्या उनको भी ट्यूर ऑफ ड्यूटी में शामिल किया जाएगा, इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें। और ट्यूर ऑफ ड्यूटी और रेली भर्तियों से संबंधित आपका कोई भी सुझाव या कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लकी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत।